और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। भारत के भारी दबाव के बाद आखिरकार कनाडा सरकार एक्शन पर मजबूर हो गई है। आपको बताएं कि खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन की शुरुआत कर दी गई है। कनाडा प्रशासन ने खालिस्तानियों को बैनर हटाने को कहा है। बताया ये गया है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख इलाके से उन होर्डिंग्स को हटाने के लिए कहा गया जो कनाडा यूएस सीमा के पास लगाई गई थी। आपको बताएं कि लगातार भारत की ओर से रिएक्शन मिल रहा था, क्योंकि एक्शन के तौर पर जब ट्रूडो ने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को हटाया था और गंभीर आरोप लगाए थे भारत पर, जो कि बेबुनियाद साबित हुए क्योंकि ट्रूडो के पास किसी तरह के कोई सबूत नहीं थे, और उसके बाद भारत के भारी दबाव के बाद आखिरकार कनाडा सरकार एक्शन पर मजबूत हो गई है और आखिरकार खालिस्तानी समर्थकों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। कनाडा प्रशासन ने खालिस्तानियों को बैनर हटाने के लिए कहा है, और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अमित पांडे भी जुड़ गए हैं। अमित, ये तो महज शुरुआत भर है, अभी बदलाव और देखना बाकी है। बिल्कुल, जो भारत सरकार ने पिछले 4-5 दिनों से दबाव बनाया था, उसके चलते हम कनाडा सरकार के उन ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत पर जो स्थानीय प्रशासन है उसने जो विवादास्पद शब्दों से जुड़ी पोस्टर जो होर्डिंग है, इसके अलावा जो लाउडस्पीकर में जो विवादित बोल बोले जाते हैं, फिलहाल उनको नहीं लगाने को और उन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। अक्सर ये होता था पिछले 5-6 महीनों से, खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों के समर्थक रैली निकालते थे, समर्थन निकालते थे और भारत विरोधी बातें कहते थे और जमकर चाहे पोस्टर से चाहे होर्डिंग से इनको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता था। तो अब वहां के स्थानीय प्रशासन ने आदेश दिया है इन विवादास्पद चीजों को हटाएं, और इससे साफ तौर पर ये जोड़ा जा सकता है कि ये चीजें भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रही थी, और अब भारत के हितों पर जो आवाज उठाई है भारत ने, तो कनाडा के प्रशासन के कान पर अब कुछ न कुछ जू जरूर रेंगी है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहे। तो खालिस्तानियों को होर्डिंग हटाने के लिए कहा गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। लेकिन एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी, आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट चरम पर है, और इस बीच पंजाब में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों की नई लिस्ट बनाई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने 19 खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट जारी की है जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। यूके, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान समेत दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की संपत्ति भारत में जब्त होगी। इन आतंकियों पर आरोप है कि वो विदेश में बैठक कर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हैं। अमित, आतंकियों पर एक्शन लिस्ट तैयार है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, ये खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हैं जो विदेश में बैठे हैं और भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इनकी संपत्तियां भारत में हैं। इससे पहले कल गुरपतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति है उसको जब्त की गई थी, मतलब अपना मालिकाना हक उसने अपनी भारत में इस संपत्ति पर खो दिया है। ठीक इसी तरीके से जो 19 खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हैं जिनकी सूची अब बनाई है, जो यूके, यूएसए, कनाडा समेत अन्य देशों में जो सक्रिय हैं उनकी भारत में संपत्तियां इसी तरीके से जब्त होंगी। ये भी भारत में अपनी संपत्तियों पर मालिकाना हक होंगे, मतलब कि भारत से जो इनका कनेक्शन है पूरी तरीके से काट दिया जाएगा। और ये तो भारत में कार्रवाई है, आने वाले दिनों में विदेश में जहां पर रह रहे हैं उनके खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जाहिर है। अमित, और कोशिश ये की जा रही है तमाम जो आतंकी है इनकी जमीन जो है उसे ही कमजोर कर दिया जाए, और यही बड़ी वजह है कि अब संपत्तियां कुर्क करने का लगातार एक्शन भी जारी है।